गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो बात की गई है पर्यटन उद्योग के बारे में। पर्यटन दिवस कल मनाया गया है 28 सितंबर को। और नेक्स्ट बात करें तो देश देशांतर के अंदर इंटरनेट के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और विशेष के अंदर भी पर्यटन के बारे में बात किया गया है, दोनों मिलाकर डिस्कस करेंगे। और द बिग पिक्चर के अंदर ह्यूस्टन वाला किस्सा है तो इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं दिखता है। और इनडेप्थ के अंदर जो बात की गई है वो थोड़ी सी गूगल के बारे में, दो चार पॉइंट्स है डिस्कस करेंगे। एक बात और बताऊं मैं आपको, राज्यसभा के ऊपर हालांकि आपको मौका मिले तो आप देख सकते हो, एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है गांधी जी के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए, दो एपिसोड हो चुके हैं गांधी जी, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि कुछ आज मैं एक एपिसोड डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू इसी में ऐड करता चला जाऊंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास वो पर्यटन उद्योग के बारे में है। पर्यटन उद्योग के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2014-15 में जो है पर्यटन बहुत भारत आए। और ये पर्यटन जो है सो बहुत भारत तो आए, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बोला था लाल किले से कि अपने देश में पहले घूमो फिर बाहर जाना चाहिए। इस तरह से आप जानते हो पर्यटन से क्या क्या लाभ होता है। पर्यटन से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, लोग एक भारत के बारे में या फिर उस जगह के बारे में जान पाते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने दो स्कीम लॉन्च किया था और इसके अंदर स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन दो स्टार्ट किया था। स्वदेश दर्शन के तहत थीम पर पर्यटन की बात कही गई थी, इसको बढ़ाया जाए। प्रसाद योजना के तहत 12 शहर को लिया गया था, द्वारका, अजमेर, अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, वाराणसी, गया, कामाख्या, पूरी, वेलकानी, कांचीपुरम, अमरावती। मतलब इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात और कोरिलेट करके बताऊं, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस बार वाटर स्कार्सिटी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वाटर स्कार्सिटी के बारे में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो कहीं और से क्वेश्चन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ योजना अगस्त सितंबर का, आप देखोगे अगस्त का योजना नहीं, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था पूरा का पूरा। इसी तरह से पर्यटन के बारे में भी अप्रैल मई के आसपास, आई थिंक अप्रैल या मई, एक सेकेंड मैं बताऊं आपको, ग्रामीण पर्यटन के बारे में दिया गया है अप्रैल में, इस बार के अप्रैल में आया था। तो आप इस योजना और कुरुक्षेत्र को एक ब्रह्मास्त्र की तरह लेना, आप समय निकाल कर हर महीने जोर पढ़ा करना। नेक्स्ट बात करें तो वेलकानी, कांचीपुरम, अमरावती, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो उद्घाटन किया गया 2018 में, आपको याद ही होगा, ये गुजरात में, तो ये भी इसी में इजाफा करने की बात कही जा रही है। तो पर्यटन के बारे में इतनी सारी बातें ही कही जा रही हैं इसके अंदर। नवंबर में नागालैंड में अलग से टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की गई ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं हो। ई वीजा फैसिलिटी को आसान किया गया और विदेशी सैलानियों को वही ई वीजा को आसान किया गया, तो बढ़ा है थोड़ा सा। हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे लोग आयुर्वेद, योगा, अध्यात्म, प्राचीन थेरेपी का हमारा भारत केंद्र माना जाता है और आते हैं लोग हेल्थ का इलाज कराने के लिए। इंडिया में अगर सस्ती मिलती है इलाज दूसरे देश की अपेक्षा, तो जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एक इलाज कराने भी, हेल्थ भी एक तरह का टूरिस्ट सेक्टर हो सकता है। हेरिटेज हिमालया की बात करें, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, मरुस्थलीकरण, इस तरह इन सभी चीजों को बढ़ाया गया है। ग्रामीण अध्यात्म की बात करें, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ की बात करें। नेक्स्ट और बात करें तो प्रमुख पर्यटन स्थल, ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, महाबलीपुरम के स्मारक का समूह, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, गोवा के चर्च और आश्रम, ये इतना भी नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हमारे भारत में टोटल 37 है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर पहला जो मैंने नाम लिया ताजमहल, ताजमहल के बाद आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा,
ये आपको मुंबई में मिलेगा। महाविलम महाबलीपुरम के स्मारक का समूह, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको असम में मिलेगा, केवलादेव ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपको केवलादेव कहाँ मिलेगा, मणिपुर, याद करो। नेक्स्ट बात करें तो मानस, केवलादेव मणिपुर मिलेगा? नहीं, केवलादेव जो है राजस्थान में मिलेगा। आए थे मानस वन्यजीव अभयारण्य, गोवा के चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी के स्मारक का समूह, खजुराहो के स्मारकों का समूह, एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर, पदतलक के स्मारकों का समूह, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये सुंदरबन भी आ चुका है ध्यान रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत पहले हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया था एक न्यूक्लियर वाला, तो आपको कनेक्ट कर सकते हो, सांची का बौद्ध स्तूप, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये सारे के सारे आप कह सकते हो। तो और भी बहुत सारी बात करें इसके अंदर, थोड़ा और बात करें तो वहाँ बोधगया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका, पाषाण आश्रय, भारत के पहाड़ी रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला, इतना सारा अब प्रीलिम्स के लिहाज से तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, दो चार पॉइंट्स जो आपको काम आ सकता है, बाकी मेंस के अनुसार होता है, ये सारी बातें इसके अंदर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। गूगल ने असल में एक स्टार्ट किया है, गूगल ने क्या स्टार्ट किया है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। गूगल एक्चुअल में गूगल के जो है 21 साल पूरे हुए हैं, तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब ऑटोमस चलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट टेंगो, ये गूगल का है, हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, अलाउज एप्स टू लोकेट द डिवाइस पोजीशन एंड 3D ओरिएंटेशन। आपका डिवाइस कहीं खो गया, कुछ हो गया, ये टेंगो डाउनलोड करोगे तो आपको मिल सकता है। किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार मैच द फॉलोइंग करा लेता है। प्रोजेक्ट लून बैलून्स, ये बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था, बहुत पहले से एक साल होने वाला होगा, ये प्रोजेक्ट लून्स गूगल का ही है। ये है क्या, विल कनेक्ट रूरल रिमोट एंड रूरल एरिया इंटरनेट, ब्रिंग अगर कोई डिसास्टर वगैरह प्रॉब्लम आता है तो रूरल एरिया वगैरह में ये इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट गूगल कॉन्टैक्ट लेंस, इसी का है गूगल का। नेक्स्ट मकानी, MAKANI, ये भी इसी का है, तो मकानी स्टोर्स विंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मकानी एनर्जी काइट्स, ये ध्यान में रखना आप, ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। एक और आर्टिकल तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, गांधी जी की एक अलग सीरीज ही बना देता हूँ, थोड़ा थोड़ा दो चार मिनट का वीडियो बनेगा, एक अलग सीरीज ही बनाऊंगा उसका। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरनेट के बारे में बात की गई है, पूरा हो जाना चाहिए, हाँ इंटरनेट, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम जो बच्चों में है, ये बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, असल में बच्चों को का जो है दो फायदे हुए हैं, एक तो इंफॉर्मेशन उनके पास ज्यादा होता है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इनका। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव पॉइंट्स, तो 6 साल का बच्चा असल में ऐसा होता क्या है, ऐसा मिडिल लोअर क्लास की फैमिली में होता है, कि लोअर क्लास में क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा छोटा सा है, 6 साल का है, 5 साल का है, वो कोई वीडियो देखता है, तो वीडियो देखेगा अगर लड़कियां को हस्बैंड मार रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, तो उस पे दिमाग पे इसी तरह का असर पड़ेगा। मिडिल क्लास में देखें तो मिडिल क्लास में पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, मतलब इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है, लोग इंडिविजुअल ज्यादा रहने लग गए हैं। जैसे आजकल क्या होता है, अगर कोई बच्चे घूमने के लिए कहीं जाए तो अपने मोबाइल के साथ व्यस्त रहते हैं, जबकि घूमने का मतलब है सब लोग एंजॉय करें, साथ में घूमे फिरे, एक दूसरे को जान पाए, पहचान पाए, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा हमारे साथ बाहर नहीं जाते हैं, अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे साथ बाहर चलो तो नहीं 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 जाएंगे, हम नहीं बंद होके गेम खेलेंगे। तीसरा कुछ बैकबोन्स प्रॉब्लम्स भी, पेनिंग वगैरह भी बॉडी में होने लगता है, आजकल तो साइबर क्राइम भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है पेरेंट्स को कि इतना बड़ा साइबर क्राइम्स हो गया। नेक्स्ट बात करें तो हमारे देश में कानून को रेगुलेट करना होगा इसको, 13 वर्ष तक कुछ ना कुछ तो इस तरह का स्टेप लेना होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मल सॉल्यूशन तो यही हो सकता है, पेरेंट्स नजर रखें और पेरेंट्स समय दें, और 5, 10, 11 साल के बच्चों को जैदे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और बात बताऊं, स्कूल्स भी आजकल क्या करते हैं, बच्चों को एडिक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो कि बच्चे भी असाइनमेंट वगैरह जो देते हैं टीचर्स जो, वो भी मेल के थ्रू देते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, मेल को यूज करेंगे और उनका एक्सेल वगैरह में प्रोग्राम बनेगा, फिर जो है इस तरह की बातें होंगी। होमवर्क करते हैं बच्चे, गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, बच्चे यही सब काम करते हैं, कुल मिलाकर के इनके ऊपर रेगुलेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज एडिक्शन बहुत खराब है इसका। तो आज के न्यूज में इतना ही था, थैंक यू।